हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू योर चैनल रंजा व्लॉग्स। में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से व्यू के साथ। और शाम को 6:30-7 बजे मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मैं आपको व्यू दे रही हूँ 19th फ्लोर से। मतलब आपको क्या, मैं खुद ही पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं पीयू को पिक करने गई थी उसकी डांस क्लास, और वहाँ से वो चले गए थे अपने एक फ्रेंड के घर। और उनका फ्लैट था 19th फ्लोर पे, हमारा तो 3rd फ्लोर पे ही है। और उनका जो भी था उसकी फेसिंग थी बाहर की तरफ, सोसाइटी के बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ। और वहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था गाइस, मज़ा आ गया देख के। हमारा तो सोसाइटी के अंदर की साइड का व्यू, जो कि मैं आपको रोज़ दिखाती रहती हूँ व्लॉग में, कभी ना कभी कपड़े सुखाते टाइम, कभी बालकनी में, कभी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करती रहती है जब भी बारिश आती है। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने पीयू को पिक कर लिया। और आजकल पता नहीं शाम बहुत जल्दी होने लग जाती है, लाइक सर्दियों में होता है ना जैसे कि 6 बजे अंधेरा होने लग जाता है, लेकिन अब तो 6:30 के आसपास होना स्टार्ट हो चुका है। और अभी क्या चल रहा है, सितंबर, सितंबर काइंड ऑफ एंड होने वाला ही है। तो अभी ना यहाँ पे 6:30 के बाद अंधेरा सा होने लग जाता है। और आपने देखा अभी शाम के 7 ही बज रहे और इतना भयंकर अंधेरा था। एनीवेज, हम लोग आ चुके हैं अपने टावर में, और यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था, मैं पीयू को पिक करने गई थी। तो मैंने बोला भैया गार्ड भैया के पास रख लो, तो अभी बस हम लोग वही पिक करने वाले हैं। और आजकल ना कुछ भी पार्सल आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है ऑनलाइन, मुझसे ज़्यादा पीयू एक्साइटेड रहती है। उसको करनी होती है अनबॉक्सिंग, कि मम्मा चलो 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 अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें से देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, उसमें से फिर निकलती मेरी चीज़ें या फिर कुछ भी घर से रिलेटेड सामान निकलता है, तो फिर उसको बड़ा गुस्सा आने लगता है। उसको लगता है कि वो ओपन कर दे, उसके लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई टॉयज निकालना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट निकालना चाहिए। लेकिन वही है ना, हर बार तो पॉसिबल नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ वापस, आज पता नहीं मैं थोड़ा सा वैसे मूड में थी, शूज़ वगैरह पहन के गई थी, आज मैंने वॉकिंग की थी। एक्चुअली पीहू को छोड़ के मैं वॉक करने चली गई थी, और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर डिनर करने के लिए। एक्चुअली आज अमित का मन था, ये लक्ष्मी कॉफ़ी हाउस करके एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ना लाइक आप समझ लो 1-1 घंटे की लाइन लगती है, वेटिंग लगती है, मतलब आपको नंबर लगवाना पड़ता है। फिर आप चले, भले आप 1-1 घंटा घूमने के लिए चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे फिर नंबर नहीं आता है। बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक साउथ इंडियन है, प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर साउथ इंडियन फूड मिलता है, लाइक सब कुछ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। लोग यहाँ पे इतना इतना वेट करने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ भाई हम लोग वेट कर लेंगे। तो बस आज अमित का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लाइक सच बताओ ना, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि सब फीका फीका होता है साउथ इंडियन, मुझे थोड़ी सी चीज़ें चटपटी स्पाइसी और ऐसी चीज़ें पसंद है। और ये था फ्राइड इडली हमने मंगवाई थी, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे एकदम से भरी भरी से, अगर उसके अंदर बहुत सारी कोकोनट डाला हुआ था, मतलब नारियल बहुत सारा डाला हुआ था, जो कि मुझे नहीं पसंद है इस फ्राइड इडली के अंदर। और पीहू ने एक्चुअली को ज़िद की थी जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे कि उसको कुछ स्टिकर्स चाहिए थे, लेकिन बाहर आए तब तक शॉप बंद हो गई। यहाँ पे आपको मैं कुछ ये सिरेमिक को सिरेमिक कह सकते हैं इसको, जो उसके वो कुछ बने हुए हैं, ये आप टीवी के पास रख सकते हैं, इनके अंदर रिमोट रख सकते हैं आप, इसके अंदर मैगजीन, न्यूज़पेपर, कप, मग्स और वासेस थे, तो बहुत सुंदर सुंदर थे, प्यारे प्यारे से थे। और यहाँ पे मोस्टली ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर 53 है, तो यहाँ पे फूड आउटलेट्स ही हैं यहाँ पे, मतलब रात के टाइम इतनी बढ़िया रौनक रहती है। लेकिन हाँ, ये जो बाहर बैठे इसमें साथ में नॉन वेज भी होता है, तो हम लोग थोड़ा सा खाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं और बिल्कुल नहीं खाते, आई मीन तो मतलब उसके स्मेल से ही हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं ना, हमें उसमें भी वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर इनकेस आप लोगों में से किसी को वहाँ पे एक्सप्लोर करना हो तो। और अभी चलते हैं घर की तरफ, और घर जाके मैंने करवाया था पीयू को होमवर्क, क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट में अपना होमवर्क नहीं किया था, एक में कर लिया था, तो मैंने कहा चलो वापस घर जाके करवा देंगे, क्योंकि टाइम को ज़्यादा नहीं हुआ था, लाइक 9 ही बजे थे और सोती नहीं है ये हमारे यहाँ पे 11 बजे तक। गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोग बच्चों के, आपके बच्चों का टाइमिंग क्या है सोने का, लाइक ये 11:30 से पहले कभी नहीं सोती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको दिन में बहुत कम सोने दूँ, लेकिन वही कि सुबह जल्दी उठती है, फिर स्कूल जाती है, इतनी एक्टिविटीज़ होती है, फिर शाम को इसकी डांस क्लास होती है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सोए तो ठीक रहता है, अदरवाइज बच्चा थक जाता है ना पूरे दिन, इतना छोटा 4-5 साल का बच्चा है। मैंने बताया नोएडा में इन दिनों बहुत भयंकर बारिश हो रही है, कभी भी किसी भी वक्त बारिश, किसी भी वक्त तूफान, कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बिना मतलब माहौल के, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा है अपना सामान, तो मैं कुछ सामान लाई थी पीहू के रूम में डेकोरेट करने के लिए, और यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही हूँ साथ के साथ ही, पीहू के सारे वॉश किए थे तो एक मैं वन बाय वन बता दूँ। एक मैं लाई थी ये सबसे बड़ा रेनबो, रेनबो मेरा फेवरेट रेनबो, अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा अब एक मिनट रुको, तो ये रेनबो है, क्लाउड्स है, और इसके साथ ही मैं पूरी कलरफुल अल्फाबेट्स लेके आई थी। ये और ये गैलरी, ये इसके आसपास कहीं लगा दूंगी, अल्फाबेट के आसपास कहीं ना कहीं। और एक मैं लाई थी ऐसी, एक आई थी ऐसी फेंसिंग, ये दीवार में फेंसिंग लगा देंगे। उसके बाद एक लाई थी मैं ऐसा ट्री, एक पेड़ लाई थी। रुक जाओ बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट प्राइस तो देख के बता दूं। जैसे कि ये है 190 का, ठीक है, और ये फेंस है 109 का, और फिर ये ट्री था, बहुत ही अच्छा बना रखा है लाइक ट्री ये रहा। और ये है ट्री, ट्री है हमारे पास ओनली 59 का, ठीक है। और फिर ऐसे ये गिलहरी है, कुछ एनिमल्स लाई थी इसके यहाँ पे लगाने के लिए, लगाऊंगी तो कैसे देखते हैं। गिलहरी की क्वालिटी भी देखिए, अब बहुत ही अच्छी है। ये भी 60-70 रुपए की, ये भी 60-70 की है, अच्छी है ना। एक मिनट रुक ना भाई, और एक पूरा ऐसे फ्लावर्स का था बंच, जिसमें हर कलर के दो दो फ्लावर हैं। तो ये थोड़ा सा और महंगा, ये शायद 100-150 का है। और ये सारे कलर्स, ये ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा है, ध्यान से देखो। अरे हाँ, मुझे ज़ेब्रा दिख रहा है। ये कौन है? ये याद नहीं आया। लंबी नेक किसकी होती है? लंबी नेक होती है ना वो जिराफ। हाँ जिराफ, इसने सारे ही फाड़ दिए। तो ये है जिराफ, बहुत ही प्यारा सा, कलर्स देखिए, उसके कटिंग एंड एवरीथिंग सब बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी का, इतना अच्छे से बनाया है ना, मतलब क्या बताऊँ। मुझे देखते इतने प्यारे लगे ना सारा, मैं बहुत सारे लेके आ गई एक साथ ही। ये इसको बहुत प्यारा लगा एलिफेंट, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, दिखाओ। ये देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ ये एलिफेंट। अब यार ये रहने दो बिट्टू, खराब हो जाएंगे सारे, पता नहीं कब लगेंगे। और ये सारे मैं लेके आई थी वहां से, मिस्टर डी आई वाई। एक दिन हम लोग गए थे, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, हम लोग बस ऐसे ही घूमने चले गए थे, काफी कुछ लेके आए थे, बहुत कुछ मैंने लगाने के लिए भी ले लिया था वैसे। हाँ तो ये सब हमने उस दिन लिए थे, उस दिन मैं प्लेजोन कर रहा था, आप लोगों ने लिया है। हाँ तो बस ऐसे पियो को प्लेजोन ले गए, और उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था, बस मैंने सोचा सामान घर ले जाके दिखा दूंगी। बाकी हमने मस्त एंजॉय किया, अपना टाइम स्पेंड किया। ये तरह से लगा देंगे ना? हाँ बेटा, हाँ इस वॉल पे नहीं लगाएंगे, इसमें आपकी फोटो फ्रेम्स लगाएंगे, इसको कहीं और लगाएंगे। हाँ ओके फाइन। ये गाइस पियो ने सेट किया है कुछ इस तरीके से। क्यों क्यों क्यों, क्या 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 बात है, कुछ मैजिक है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है क्या कर रहे हो। चलिए बताइए क्या था आपका सरप्राइज। वाह मम्मा की फेवरेट किटकैट। थ्री थ्री किसको किसको दोगे? आपको पापा को दे दो, पापा को एक आपको। पहले मुझे, थैंक यू। और एक लास्ट वाली किसकी है? पियू की।